आज के इस कार्यक्रम के और इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोग, प्रोफेसर मुमताज, डॉक्टर आरिफ और यहाँ उपस्थित तमाम सज्जन और हैंडीकैप्ड और तमाम बच्चे, मुझे आज यहाँ हाजिर होकर उपस्थित होकर हुई हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि ऐसे मौके पर आपने मुझे बुलाया जिसमें आकर दिल को बहुत तसल्ली हासिल हुई है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस कुर्रे जमीन पर वहाँ के उस समय के डीसी के देख रेख में बहुत बड़ा काम किया गया और पूरे इंटायर इंटेग्रेटेड भारत में गवर्नमेंट लेवल का पहला ब्लड बैंक वहाँ बनाया गया, जिसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोहम्मद रफी नाइक, मुकेश नाइक, मन्ना डे नाइक का पैसे इकट्ठा कर उस समय बनाया गया। 1974 की बात है जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ब्लड बैंक नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट बैंक पर अलग बैंक होते थे और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ही सरकारी संस्थाओं में के ब्लड बैंक के पैरामीटर्स तय किए गए और बनाए गए हैं। लेकिन अन्य जिलों में भी जब मैं पहुंचा तो वहां भी मैंने उसकी स्थापना की और हर जिले के जिला अस्पताल में हैंडीकैप चिल्ड्रन और इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए और किसी भी तरीके उनके लिए 6 बेड जिला हॉस्पिटल में और 1 बेड सब डिविजनल हॉस्पिटल में हमने फिक्स कराया, रिजर्व कराया ताकि अगर उनके केसेस आए तो उन्हें भीड़ के कारण लौटना नहीं पड़े। बौंसी बांका जिले में बौंसी एक जगह है जहाँ क्रिश्चियन मिशनरी ने इस काम को अपने हाथ में लिया हुआ है। ट्राइबल बेल्ट से रिटार्डेड चाइल्ड को इकट्ठा कर करके और इसी तरह की सेवा प्रोवाइड करते हैं। उनके कार्यक्रम में मैंने डांस का कार्यक्रम देखा था वर्ष 2004 में और आज स्टेज पर इन बच्चों को खड़ा देख कर करके मुझे उसकी याद आ रही है कि वहाँ उन लोगों ने किया था और यहाँ ये भी करने जा रही हैं। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बोलने की बहुत सारी बातें हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि अपने पुराने इसको को, इसलिए मैंने हल्का सा बयान कर दिया। यहाँ उपस्थित तमाम लोग इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं कोई नई बात ऐसी नहीं बोलूँगा जिससे कुछ उनके नॉलेज में इजाफा हो, इसलिए समय नहीं लूँगा। मैं फिर एक बार आयोजक गणों
Okay.